अभी विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हुए रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी। दौराने चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें तीन चार जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एलबीस यादव करके बताया था। एलबीस यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके, और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है हेलो और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। हमें तो भाई वो मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर, एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीज़ों में, पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है, नहीं कर दे करके छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें चीज़ों में, बट जब इमेज खराब होती है ना, बड़े गंदे तरीके वाली इमेज खराब हुई, अभी आ जाएगा। अभी आपको ना, अब इन चीज़ों में जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ एक साइड, मेरे को जज मत करना इस चीज़ के लिए, प्लीज़ वेट करना, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनाएगी ना, मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, सारी चीज़ें शेयर करूँगा, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ, पुलिस भी बोलेगी, रिलीज भी होगी प्रेस स्टेटमेंट की, एलविश यादव का इस केस में इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी प्लीज़ देखना। और जो जो शेयर कर रहे हैं ना, एलविश यादव ने ये करा वो करा, वो प्लीज़ उसको भी शेयर करना है, रिक्वेस्ट यू, दोगलापन मत दिखाना कि मेरी खराब इमेज तो दिखा दी, वो शेयर कर दी, बट जब मैं क्लीन चिट निकलूं तो उसको शेयर ना करें। तो मेरी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।